So in this project, we are going to learn and create end-to-end project for of search engine development in Python. तो ये प्रोजेक्ट अमेज़न डेटा पे हमने एक सर्च इंजन बनाया है कि अगर मैं सर्च में कोई प्रोडक्ट डालता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिकमेंड करेगा 10 प्रोडक्ट्स विद डिस्क्रिप्शन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एक मॉडल तैयार करेंगे जो कोजाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके जो यूजर की क्वेरी होगी उसको कंपेयर करेगा अमेजोन प्रोडक्ट में जो डेटा सेट है उसके साथ, फिर उस बेस पे वो 10 प्रोडक्ट्स की डेटा सेट दिखाएगा विद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन. सेकेंड अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, वी विल ऑल्सो क्रिएट दिस अमेजिंग वेबसाइट फॉर दिस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट. ओके, आर यू कैन से पाइथन सर्च इंजन डेवलपमेंट. मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें हम सर्च इंजन बनाएंगे पाइथन में. नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी लर्निंग, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो लेट मी शो यू द रिपोर्ट. वेयर इज माई प्रोजेक्ट? मैं आप लोगों के साथ जो इस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है लाइन बाय लाइन कोड को डिस्कस किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा. तो दिस सर्च इंजन ऑन अमेजोन दैट आई विल आल्सो शेयर दिस रिपोर्ट, सर्च इंजन ऑन अमेजोन प्रोडक्ट डेटा सेट. सबसे पहले कोड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे ये सारा कोड है एंड फाइनली रिपोर्ट है, इंट्रोडक्शन, डेटा सेट, इम्प्लीमेंटेशन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें. सर आई विल आल्सो शेयर दिस रिपोर्ट विद यू एंड यू कैन यूज दिस रिपोर्ट इन योर रेज्यूमे. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग लेट मी क्लोज. ओके, फर्स्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट वर्क. सो इफ आई कॉपी दिस प्रोडक्ट टाइटल एंड रिप्लेस विद दिस एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन, इट विल डिस्प्ले 10 रेलिवेंट प्रोडक्ट टाइटल्स विद डिस्क्रिप्शन. यू कैन से दैट इट इज अ रिकमेंडर सिस्टम विद सर्च इंजन. ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज वेल. तो इफ आई कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट राइट हियर. नाउ दिस इज, ये आपका डबल कोट में आ रहा है बट विल सी के क्या इस पे भी हमें सर्च. ओके, इट आल्सो वर्क्स परफेक्टली. नाउ लेट मी क्लोज दिस थिंग एंड यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ. सो फर्स्ट आई विल ऑल्सो शेयर दिस अमेजोन प्रोडक्ट डेटा सेट विद यू इन द बिलो कमेंट सेक्शन. आप लोगों ने क्या करना है, इस डेटा सेट को डाउनलोड करना है और एक फोल्डर बनानी है जिसको आपने नाम देना है सर्च इंजन एंड अमेजोन प्रोडक्ट डेटा सेट. फिर एक नया यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नया पाइथन फाइल बनाए, चूंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा. अब इस प्रोजेक्ट की फ्लो को समझो. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम जो नेसेसरी पैकेजेस है वो इंपोर्ट करेंगे, डेटा को देखेंगे, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की टोकनाइजेशन है, स्टेमिंग है, लोअर केस लेटर्स की, वो भी करेंगे. फिर जो यूजर का क्वेरी होगा और जो डेटा सेट के अंदर प्रोडक्ट है उनके दरमियान सिमिलैरिटी चेक करेंगे यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी. नाउ व्हाट इज कोसाइन सिमिलैरिटी, वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग इट एज वेल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. बट अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो. ओके, सो एज यूजुअल वी नीड नंपाई एज एनपी, वी आल्सो नीड पैंडास एज पीडी, वी नीड फॉर दिस एनएलटीके. ओके, इंपोर्ट एनएलटीके, आई विल रन दिस, दिस शुड बी एज. तो मैंने नंपाई, पैंडास और एनएलटीके इंपोर्ट किए. अब मैं अपने डेटा को नाम देता हूं अमेज़न डीएफ, आप कोई भी नाम दे सकते हो. उसके बाद यहाँ पे पेंडास का इस्तेमाल करके इसके अंदर जो रीड सीएसवी है वो बन कॉल करूंगा और जो मेरा डेटा सेट है अमेज़न प्रोडक्ट डॉट सीएसवी. नाउ आई विल आल्सो शेयर दिस डेटा सेट, यू कैन सिंपली डाउनलोड इट फ्रॉम राइट देयर. ओके, अब अगर मैं देखूँ कि ये मेरा अमेज़न का जो डेटा सेट है वो किस तरह दिखाई देता है तो मैं इस पे एक हेड मारूंगा. सो दिस इज माई डेटा सेट. ओके, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी. टाइटल में आपकी प्रोडक्ट की टाइटल है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है.
And in description column, we have the description about that particular product and category. What kind of category? Let's say Amazon पे आपने देखा होगा कुछ products kitchen वाले होते हैं, pets वाले होते हैं, games वाले होते हैं, sports वाले होते हैं. So हमारा जो ये ID है, ये हम सबसे पहले इसको remove करेंगे. We don't need it. So मैं Amazon डालूँगा, इसे drop करूँगा. ID को, because I don't need it. On access one and in place will be true. और इसको run मारूंगा और अब अगर मैं Amazon DF dot head करूं, you can see we have just these three columns. Okay. Now, sorry, just give me a second. Okay. Now, ये जो title है, description है, category है, इनके अंदर सारा टेक्स्ट है. इन टाइटल प्रोडक्ट्स नेम एंड डिस्क्रिप्शन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट एंड कैटेगरी विच कैटेगरी प्रोडक्ट इट इज. ओके, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इनके अंदर जितने भी वर्ड्स है उनको टोकनाइज करेंगे. अब ये क्या होते हैं ये हम समझेंगे, फिर हम इनको स्टैमिंग करेंगे. तो ये कैसे होता है, ये इससे पहले मैं नल वैल्यू देखता हूं, बाद में कोई वो ना क्रिएट करें. सो इज नल के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है और इस पे मैं सम मारूंगा एंड वी डोंट हैव एनी नल वैल्यू इन दिस डेटा सेट. नाउ प्री प्रोसेसिंग ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि हमने एक सर्च इंजन ही बनाना है, कोई मॉडल तैयार नहीं करना. ओके, और एक छोटा सा रिकमेंडेशन सिस्टम भी है इसके अंदर. नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो टोकनाइजेशन स्टेमिंग दोनों का काम करेगा. तो बट इससे पहले जो एनएलटीके है उससे हम कुछ इंपोर्ट करेंगे. सो एनएलटीके डॉट स्टेम डॉट स्नो बॉल. अब स्नो बॉल पोटर स्टेमर जो है या स्नोबॉल स्टेमर जो है, ये क्या होते हैं, ये आपको जो स्टेमिंग है ये प्रोवाइड करता है. अब स्टेमिंग क्या होता है इसको भी हम समझेंगे. सो इसके अंदर आपका एक फंक्शन है, चूंकि ये तो एक क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन है कैपिटल एस स्नोबॉल स्टेमर, इसको समझना. अब इस स्नोबॉल स्टेमर की मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टेम के नाम से, या अलर्ट से स्टेमर ही नाम देते हैं. और इस स्नोबॉल स्टेमर के अंदर मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला हूं वो है इंग्लिश. ठीक है, ये काम करने के बाद अब मैं बताता हूं कि ये जो स्नोबॉल स्टेमर है इसके अंदर ये इंग्लिश हमने क्यों लाया यहाँ पे. तो इसको समझने के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूं डेफ, जिसको मैं नाम देता हूं टोकनाइज एंड स्टेम, क्योंकि ये स्टेमिंग और टोकनाइजेशन दोनों काम करता है. और इसके लिए मुझे इसको एक टेक्स्ट आएगा, एक डेटा सेट आएगा. ठीक है, नॉट टेस्ट टेक्स्ट. और सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन उसको मैं वर्ड टोकनाइज भी करूंगा. वर्ड टोकनाइज क्या है, तो मैं यहाँ पे एक सेल ऐड करता हूं. एनएलटीके के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है वर्ड टोकनाइज. अगर इसके अंदर मैं एक सेंटेंस पास करूं, हाउ आर यू ब्रदर, और इसको रन करो, तो ये जितने भी सेंटेंस हैं इनके अंदर फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड, इन यानी इन्होंने टोकनाइजेशन किया, वर्ड टोकनाइजेशन किया. अगर मैं सेंटेंस टोकनाइजेशन करता हूं, लेट्स से मैं एक सेंटेंस सेट करता हूं, आई एम गुड वर्ड्स अबाउट यू, तो अगर मैं इस पे वर्ड के बजाय सेंट टोकनाइजेशन कर दो, सेंट टोकनाइजेशन, तो ये तीन सेंटेंसेस ये तीनों को टोकनाइज कर देगा एक ही लिस्ट के अंदर. एंड मॉड्यूल इंटीग्रेट नो एट्रीब्यूट सेंट टोकनाइज्ड. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक. ये देखो इसने दो सेंटेंसेस जस्ट सेपरेट किए, बट यहाँ पे ओके मैं थोड़ा सा अगर स्पेस दे दूं, हाँ अब थ्री है. तो ये देखो ये फर्स्ट सेंटेंस इसने टोकनाइज किया यानी सेपरेट किया, सेकंड वन एंड थर्ड वन, तो इसका ये काम है. तो अब ये इसको मैं रिमूव कर दूंगा.
क्योंकि हमारे डेटा सेट के अंदर जो भी कॉलम हम इस टेक्स्ट को पास करेंगे, लेट्स से आई एम गोइंग टू पास दिस टाइटल, तो इसके अंदर जितने भी वर्ड है वो इनको टोकनाइज करेगा। तो इसके लिए हम लगाते हैं, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूं टोकन्स, और फिर मैं NLTK के अंदर ये वर्ड टोकनाइज लगाऊंगा और इसको ये टेक्स्ट पास करूंगा। लेकिन इस टेक्स्ट में बहुत सारे लेटर्स कैपिटल में होंगे, तो इसको मैं लोअर में कन्वर्ट करूंगा। होगा क्या कि इस टेक्स्ट के पास जो भी डेटा सेट आएगा, जो भी टेक्स्ट आएगा, जो भी रॉ मटेरियल आएगा, वो सबसे पहले रोल लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी उनके सारे लेटर्स, देन इट विल क्रिएट टोकन्स फ्रॉम दैट टू टेक्स्ट, मीन सेपरेट ईच वर्ड बाय कॉमा, और दैट विल बी स्टोर इन दिस टोकन्स। अब मैंने हर वर्ड के ऊपर, क्योंकि देयर मे बी अ लॉट ऑफ वर्ड, सो आई नीड टू रिमूव एक्स्ट्रा वर्ड्स। लेट्स से इन दिस एंटायर डेटा सेट वी हैव अ वर्ड लव, लव्ड, loving, but what I need just love, I don't need this two extra word, this is called stemming। कि अगर आपने एक word के second form, fourth form, third form या जो भी form है English में, उसके base form यानी first form में ले आना है, तो आपका कहलाता है stemming। और वो आप कई तरीकों से कर सकते हो, हम snowball stammer का इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब ये दो वर्ड रिमूव हो गए तो मेरा डेटा सेट कम हो गया और इस पे मेरा मॉडल अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। तो अब ये काम हम करेंगे और ये मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा और इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ स्टेम्ड, आई थिंक इट वुड बी परफेक्ट। और यहाँ पे एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले टोकन से तो मुझे वन बाय वन वर्ड निकालना है। फॉर इन टोकन्स, यानी होगा क्या, क्योंकि मैंने वर्ड सेपरेट किए थे कॉमा से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड टोकनाइज, वन बाय वन वर्ड आएगा इस वर्ड के पास और इस पे मैं लगाऊंगा ये स्टेमर, यानी इसकी बेस फॉर्म में इसे लाऊंगा। सो स्टेमर, और इसके अंदर आपका फंक्शन है स्टेम, और इसके पास करूंगा ये वर्ड, तो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। आई होप के यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब चूंकि मैंने ये जितने भी बेस फॉर्म में आ गए वर्ड्स, उनको एक स्पेस से ज्वाइन करना है, एक लिस्ट होगा और मैं दिखाता भी होगा इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कर दू, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को आगे यूज भी करना है, और एक स्पेस देके यहाँ पे मैं ज्वाइन मारो और इसके अंदर ये स्टैम्प्ड मटेरियल जो है ये पास करो, तो ये मुझे हर वर्ड लिस्ट के अंदर स्पेस से ज्वाइन कर देगा। इस फंक्शन का सिर्फ एक मतलब है कि इसके पास जो भी टेक्स्ट आएगा, सबसे पहले उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा, फिर उन पे वर्ड टोकनाइजेशन करेगा, यानी वर्ड को कॉमा से सेपरेट करेगा, इसके अंदर स्टोर होगा। अब चूंकि वर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे तो मैं एक्स्ट्रा को रिमूव करूंगा, यानी जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, लेट्स से सिक्स्थ फॉर्म, बट इन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर ओनली फोर फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इट वॉज जस्ट जोक, ओके। तो ये सब मैं बेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा, इस लाइन ऑफ कोड का ये मतलब है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्नोबॉल स्टैमर। लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश। अगर आपके डेटा सेट के अंदर अरबिक है तो आप अरबिक पास करोगे, वो आप देख लेना, ओके, या कोई और लैंग्वेज है वो भी आपका लाइक फ्रेंच, तो वो भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इस फंक्शन को रन करो, अब इस फंक्शन को मैं क्या भेजूंगा, इस फंक्शन को मेरा जो Amazon DF है इस पे अप्लाई मारूंगा, और अप्लाई के अंदर मुझे चुके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भेजने हैं, तो मैं लैम्डा का इस्तेमाल करूंगा और मैं क्या करता हूं, लैम्डा, और यहाँ पे एक रो नाम से वेरिएबल लेता हूं। आई होप कि आपको पता हो कि लैम्डा की सिंटैक्स किस तरह है। एक्चुअली ये जो इंटायर डेटा सेट है, अब ये इस रो के पास है, इतना समझो, इसके अंदर जो थ्री कॉलम्स है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, अब ये इस रो के पास है, तो मुझे तो सिर्फ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भेजना है, किसको, इस फंक्शन को। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा क्योंकि मैंने इनको लोअर में कन्वर्ट करना है, टोकनाइजेशन करना है, स्टेमिंग करना है बिफोर क्रिएटिंग अ मॉडल। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉल दिस फंक्शन टोकनाइज, और इसको मैं रो का जो टाइटल है वो भेजूंगा, और फिर इसके साथ एक स्पेस से कंकैटिनेट करूंगा रो का जो, ओप्स, आई मेड अ मिस्टेक, दिस शुड बी लाइक दिस, ओके।
इसके साथ मैं कंकैटिनेट करूंगा एक स्पेस से डिस्क्रिप्शन को, और ऑल मेरा जो मतलब है वो ये है कि मैं एक्चुअल में जो मेरे अमेज़न डिस्क, फर्स्ट लेट मी राइट इट, ओके, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मेरा जो अमेज़न डीएफ है इस पे मैंने अप्लाई मारा लैम्डा, और लैम्डा के पास रो है, और मतलब रो के पास एक इंटायर डेटा सेट है, मतलब रो तीन कॉलम्स, बट व्हाट आई वांट जस्ट दिस टू कॉलम टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, के इनकी जितनी भी टेक्स्ट थे वो इस फंक्शन के पास भेजो, और ये फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है लाइक लोअर केस ऑफ वर्ड, लेटर्स, टोकनाइजेशन ऑफ वर्ड्स, स्टेमिंग ऑफ ईच वर्ड टू द बेस फॉर्म, ये सारा काम करके ये मुझे रिटर्न कर दे, और इसको एक नए वेरिएबल में मैं स्टोर करता हूँ इसी ही अमेज़न डीएफ के अंदर, और इसको मैं नाम देता हूँ स्टैम्ड, क्या नाम दो, स्टैम्ड, What should I give? I don't know. मैं एक प्रॉपर नाम देता हूँ ताकि बाद में मुझे याद हो. Stamp tokens. क्योंकि अब ये सारे tokens हैं. It would be perfect. अब चूंकि मैंने जो रो के अंदर टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है वो मुझे पता है कि उनकी एक्सेस जो है वो है वन, क्योंकि मैं रो थोड़ी भेज रहा हूं, मेरे पास कॉलम है, तो इसलिए मैं एक्सेस यहाँ पे वो कर लूंगा और इसको मैं रन करता हूँ, एंड वी विल सी एंड सक्सेसफुली आवर कोड इज रनिंग. तो अब अगर मैं अपना अमेज़न डीएफ देखूं और हेड मारो इस पे, तो ये देखिए नया कॉलम इसके अंदर आ गया, और ये देखो स्विसमर कैपिटल में फर्स्ट लेटर बट यहाँ पे छोटा है, कैपस्टर यहाँ पे बड़ा है छोटा. सो ओवरऑल यहाँ पे हुआ क्या कि सबसे पहले जितने भी लेटर्स थे वो हो गए छोटे, स्मॉलेस्ट, एंड हर वर्ड टोकनाइज हो गया, एंड मैंने स्पेस से इनको अगेन ज्वाइन किया और स्टैमिंग भी किया, ठीक है. ओवरऑल इसका ये सेंस है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट कॉलम है जो कि हम आगे देखेंगे. इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सो हमने ये दो तो कर लिया, ओके ग्रेट, ओके. सो अब मैं कोसाइन सिमिलैरिटी देखूंगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बीच में, कोसाइन सिमिलैरिटी कि अगर मैं एक लेट से एक प्रोडक्ट अपने सर्च बार में डालता हूं तो जो 10 प्रोडक्ट मुझे दिखाएगा उनकी जो सिमिलैरिटी जो सबसे क्लोज होंगे डिस्क्रिप्शन के साथ इनकी सिमिलैरिटी वो ओवरऑल यहां पे है, ठीक है. ये हमने एक तरह से क्लीन किया हुआ है इन सिमिलैरिटीज, बट फर्स्ट लेट मी शो यू दैट व्हाट इज कोसाइन सिमिलैरिटी इन सिंपल वर्ड. कोसाइन सिमिलैरिटी का मैं एक अच्छा सा इमेज दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, एंड आई थिंक देयर वुड बी एंड दिस वुड बी अ परफेक्ट एग्जांपल. ओके, मैंने एक पिछले प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में भी आपको बताया था. अब कोसाइन सिमिलैरिटी की फॉर्मूला और मैथमेटिक्स क्या है उसको भूल जाओ. कोसाइन सिमिलैरिटी क्या करता है कि अगर आपने एक वर्ड दिया है, लेट से आपने दिया है हाई वर्ल्ड, अब डेटा सेट के अंदर हाई, हेलो, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, ये वर्ड से तो कौन सा क्लोज है. क्लोज का ये मतलब नहीं है कि इसके बगल में है, नजदीक है. अब इसकी जब हम मैट्रिसेस वेक्टर्स बनाएंगे तब इसकी समझ और भी अच्छी लगेगी. तो हाई वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो है हेलो वर्ल्ड, नॉट हाई, नॉट हेलो, नॉट वर्ल्ड, बट हेलो वर्ल्ड इज वेरी क्लोज टू हाई वर्ल्ड. दिस इज कॉल्ड कोसाइन सिमिलैरिटी. यही हम करेंगे कि अगर यूजर सर्च में ये मारता है तो जितने भी डिस्क्रिप्शन है उनके साथ चेक करे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ चेक करे, और जो भी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है वो हमें दें. तो उसके लिए हम सबसे पहले काम तो ये है कि आप इसके लर्न का इस्तेमाल करो, और उसके अंदर आपके पास जो फीचर एक्सट्रैक्शन है, अब ये क्लास है उसके अंदर एक टेक्स्ट है उससे इंपोर्ट कर दो टीएफ. अब ये क्या है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. इसके बगैर आपका कोई एनएलपी प्रोजेक्ट या सर्च इंजन नहीं बना सकते, क्योंकि मशीन इस रॉ टेक्स्ट को नहीं समझ सकता. वो समझता है मैथमेटिक्स, वन टू सॉरी जीरो एंड वन, आर यू कैन से न्यूमेरिक्स, आर यू कैन से इंटीजर, और वही वो काम ये करता है वेक्टर्स जो हमें बना के देता है. पूरी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट फर्स्ट लेट मी टाइप समथिंग हियर, फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास
इसके अंदर एक पेयर वाइज क्लास है उससे इंपोर्ट करो, अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब इसका लर्न संभालेगा कोसाइन सिमिलैरिटी। हो गया, आप कोई अपना कस्टम प्रोग्रामिंग या जो कोसाइन सिमिलैरिटी की मैथमेटिक्स है वो करने की जरूरत नहीं, सब ये खुद संभालेगा। नाउ व्हाट इज दिस थिंग या व्हाट इज दिस थिंग, ये थिंग तो हम समझ चुके हैं, बट व्हाट इज दिस थिंग, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग लेट मी क्रिएट द फंक्शन। सो एक डेफ कोसाइन सिमिलैरिटी के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा और इसको दो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, दो डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूंगा एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन दिस फंक्शन एज वेल। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगा एंड उसके बाद, लेकिन इससे पहले मुझे ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा। सो मैं टी एफ आई डी एफ वेक्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसको ये इसकी मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो अब ये क्या करता है कि ये टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू जब इसके पास आएगा तो ये एक रॉ टेक्स्ट है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स है, ये इनकी बनाता है आपको टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेक्टराइजेशन। अब ये क्या चीज है, इसको हम इमेज की मदद से अच्छी तरह से समझेंगे, बट ये क्या करता है, ये एक टोकनाइजर लेता है, यानी सबसे पहले तो वो उन वर्ड को कॉमा से सेपरेट करेगा, टोकनाइजेशन करेगा, और वो काम कौन करता है, वो हमने एक फंक्शन बनाया था, हमें यहाँ पे बार बार करने की जरूरत नहीं, ये तो इस टोकनाइजन स्टेम को मैं यहाँ पे कॉल मारूंगा, ओके, टोकनाइज स्टेम को यहाँ पे कॉल मारूंगा और इसको मैं थोड़ा सा गैप देता हूं। अब हमने ये दो टेक्स्ट फीड कराने हैं इसको, तो अब ये इसके अंदर आ गया टी एफ आई डी एफ, तो मैं टी एफ आई डी एफ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म के नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जो टेक्स्ट को कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करता है इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज और यू कैन से वेक्टराइजेशन, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट अब ये लिस्ट के अंदर मैं पास करूंगा क्योंकि एक तो है ही नहीं, दो है, सो टेक्स्ट टू और क्या कर सकता हूं मैं, या अब मैं रिटर्न करूंगा इस फंक्शन से इस वेक्टर्स को जो भी ये वेक्टर्स बनाएगा, और इसको मैं कैसे रिटर्न करूंगा, लेकिन रिटर्न करते वक्त इन वेक्टर्स की आपस में मैं कोसाइन सिमिलैरिटी चेक करूंगा, ओके ग्रेट। तो उसके लिए हमने इंपोर्ट किया है कोसाइन सिमिलैरिटी, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसके लर्न हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर पास करूंगा ये मैट्रिक्स, यानी मैंने क्या किया, इन दो टेक्स्ट को सबसे पहले जीरो और वन में भेजा, यानी इनको इनके वेक्टर्स बनाया। अब वेक्टर्स क्या होते हैं इसको हम यहाँ पे समझेंगे, डोंट वरी। उसके बाद इसको स्टोर किया मैट्रिक्स के अंदर, फिर इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी वर्ड की इन न्यूमेरिक वैल्यूज है लाइक वेक्टर्स है उनकी सिमिलैरिटी चेक करना चाहता हूँ कि कौन कितने क्लोज है एक दूसरे के, और फिर रिटर्न कर रहा हूं, बस इतना काम है। सो ओवरऑल इस फंक्शन का मतलब है कि जो भी दो डॉक्यूमेंट्स इसके पास आएंगे उनको सबसे पहले नंबर्स में चेंज करेगा, फिर कोसाइन सिमिलैरिटी उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है वो देखेगा और रिटर्न मारेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, सो कंट्रोल सी एंड आई विल प्रेस इट राइट हियर एंड एंटर, एंड लेट्स से कि मुझे कोई अच्छा सा इमेज मिल जाए, अगर मैं इसको ओपन करूं, अब ये देखो हम जो टेक्स्ट इसको बेचते हैं वो कुछ इस तरह होगा, रॉयल्टी मैस्किलोनिटी की क्या है, फेमिनिन एज, या कॉलम में हो सकता है किंग क्वीन वेमेन प्रिंसेस। अब इनमें इनकी ये क्या बनाता है, क्या कहते हैं इसको, वेक्टर्स, ठीक है, जीरो एंड वन का। अब इसकी एक मैथमेटिक्स, एक पूरी कॉन्सेप्ट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मैं पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं दे सकता, लेकिन एक बेसिक वो देता हूं कि एक सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड कितनी बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये इसका काम इतना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट थिंग था कोसाइन सिमिलैरिटी हमने चेक किया, ओके हमने कर ही लिया सब कुछ, सो हमारा मसाला तैयार हो गया। अब एक फाइनल फंक्शन बनाएंगे, इसको पहले रन करते हैं एक फाइनल फंक्शन। अब तक हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रिवाइज देते हैं, सबसे पहले ये तीन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज, फिर डाटा को रीड मारा हमारे अंदर, इस डाटा के अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी के नाम से ये फीचर्स हैं, जिनमें सबसे दो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल।
अब ये चूंकि एक टेक्स्ट है तो मुझे क्या करना था, मुझे इनकी टोकनाइजेशन करनी थी। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ा और स्टेमिंग भी करनी थी। स्टेमिंग यानी किसी वर्ड को अपने बेस फॉर्म में ले आना। तो मेरे पास एनएलटीके के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम है, बट आई बी यूजिंग स्नोबॉल स्टेमर। आप वॉटर स्टेमर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने यूज किया स्नोबॉल स्टेमर, डिपेंड ऑन योर डेटा सेट। उसके बाद टोकनाइज स्टेम क्या करेगा, सबसे पहले वर्ड को जो भी लेटर्स है लोअर में पेयर सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट मारेगा, हर वर्ड ये लूप उठाएगा और उनकी स्टेमिंग करेगा और फिर इसके अंदर स्टोर करेगा, और फिर मैं अगेन इन सारे कॉमा सेपरेटेड वर्ड्स विद स्टेमिंग को एक स्पेस से ज्वाइन करने वाला हूँ। और इसको मैंने भेजा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और इसको एक नए कॉलम में स्टोर मारा। और इस फंक्शन का सिर्फ एक काम है कि इसके पास दो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल कि मैं इसको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ, तो वो उन दोनों को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेगा वो वर्ड की जो वेक्टर्स है, टर्म फ्रीक्वेंसी है कि एक वर्ड कितनी बार आया है इस सेंटेंस में या इस इंटायर वेक्टराइजेशन में, और यू कैन से डॉक्यूमेंट में, वो करता है और फिर उनकी सिमिलैरिटी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमने एक फाइनल फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करेगा 10 रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स को सर्च इंजन में। तो मैंने क्या किया, वीडियो को पॉज किया और यह फंक्शन बना लिया। अब ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसको मैं समझाऊंगा। ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, जिसका नाम है सर्च प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं उसके पूरे इंटायर डेटा सेट में 10 रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स की विद डिस्क्रिप्शन रिटर्न मारता है। जो भी क्वेरी इसके पास आएगा, लेट्स से यूजर ने कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखा सर्च में, उस क्वेरी को यूजर में भी वो कैपिटल में लिखे स्मॉलर में लिखे वी डोंट नो, तो उसको हमने बेचना है ऊपर अपने फंक्शन में जिसका नाम था टोकनाइज स्टेम, ताकि वो उनको लोअर में कन्वर्ट करे, टोकनाइजेशन भी करे और स्टेमिंग भी करे। एंड इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, स्टेम क्वेरी। अब मैंने कैलकुलेट करना है कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन दिस यूजर क्वेरी और जो हमने एक स्टैम्प टोकन्स के नाम से कॉलम बनाया था जिसमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन था, उनके दरमियान अगर मिलता है कोई नजदीकी कोई क्लोजनेस तो वो इस नए कॉलम में स्टोर होगा। तो एमेजोन डीएफ के अंदर मैंने एक नया कॉलम बनाया सिमिलैरिटी के नाम से, फिर एमेजोन डीएफ का जो स्टैम्प टोकन्स था उस पर मैंने अप्लाई मारा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, एमेजोन डीएफ के अंदर मैंने एक नया कॉलम बनाया था अगर आप लोगों को याद हो स्टैम्प टोकन्स के नाम से, ओके, इस पे मैंने अप्लाई किया लैम्डा। लेकिन मैं चाहता क्या, क्योंकि अब ये स्टैम टोकन जितना का है जितना भी इसके अंदर टेक्स है सब इस एक्स के पास आ गया, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि इस एक्स यानी ये जो मैंने मेरा स्टैम टोकन था टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन उसका और जो यूजर ने बेचा है उसका कोसाइन सिमिलैरिटी दी गई। तो मैंने कोसाइन सिमिलैरिटी फंक्शन को कॉल किया है एंड उसको मैंने स्टैम्प क्वेरी एंड एक्स बेचे हैं। ओके, इस फंक्शन का सिर्फ ये काम है कि जो मेरे डेटा सेट के अंदर स्टैम्प टोकन्स हैं उनका और जो यूजर ने एंटर किया है दिस स्टैम्प क्वेरी दिस वन इनके दरमियान कोसाइन सिमिलैरिटी चेक करें, अगर करीब है तो इनको स्टोर करें। अब ये जो है ये स्टेप सिर्फ इतना स्टेप है कि हम वैल्यू को सोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, ये एक आप समझ एक ऑप्शनल स्टेप भी है, आप कह सकते हो कि एक ऑप्शनल स्टेप भी है, आप डायरेक्टली इसको प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। क्यों, क्योंकि जो भी वो रिकमेंड हमें देगा 10 प्रोडक्ट की उसको हमने सोर्स बाय वैल्यू करने हैं। तो किसको करना है, सिमिलैरिटी वाले कॉलम को। असेंडिंग हम फॉल्स रखते हैं, हम नहीं चाहते कि वो स्टार से रखे, दरमियान में हो जो भी उसको रिकमेंडर मिल जाए उठाए, कितने 10, अगर आपको 20 चाहे तो आप यहाँ पे 20 रखो, 20 रिकमेंडेशन रखो, लेकिन 10 वुड बी परफेक्ट। और फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी के बेस पे मुझे एक नया डेटा सेट देके उसको एक रिजल्ट में स्टोर करे और रिटर्न कर दे रिजल्ट को, एज सिंपल एज दैट। आई रिपीट, एक सर्च प्रोडक्ट बनाए, इसके पास यूजर का क्वेरी आएगा, स्टैम्ड क्वेरी के अंदर मैंने ये क्वेरी स्टोर किया, लेकिन स्टोर करने से पहले उसको टोकनाइज एंड स्टैम एंड लोअर केस में किया। अब ये जो यूजर का क्वेरी है जो कि टोकनाइज भी हो गया, स्टैम भी हो गया एंड लोअर केस में भी कन्वर्ट हो गया इनका, और जो मेरे डेटा सेट के अंदर स्टैम टोकन वाला कॉलम था इनकी सिमिलैरिटी चेक करना चाहता हूं।
वो ये लाइन ऑफ कोड कर रहा है। उसके बाद फ्लोटिंग भी दे रहा हूँ, असेंडिंग वाला पॉज रखा, कितने प्रोडक्ट चाहिए इतने, और डेटा सेट में ये तीन कॉलम होने चाहिए बस। फिर इसको रिटर्न किया, अब इसको हम करते हैं रन, और मैं इस फंक्शन को करने वाला हूँ कॉल, और इसको मैं कोई प्रोडक्ट भेजता हूँ। तो मैंने जो पहले प्रोडक्ट लिखता मेरे पास, आई डोंट नो, लेट्स सी, हम यहाँ से उठा लेते हैं, बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू सेल ऐड करता हूँ, और मेरा जो अमेजोन डीएफ है उसके अंदर जो टाइटल वाला कॉलम है उसको रन करता हूँ, और ये इसके इंडेक्स जीरो पे फिलहाल उठा लेते हैं ये वाला, ये मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और इसके अंदर इसको मैं पेस्ट मारता हूँ एंड रन करता हूँ। ओ माय गुडनेस, यहाँ पे कुछ एरर, नेम अमेज़न डीएफ इज नॉट डिफाइन, ओके ओके, दिस शुड बी दिस, दिस शुड बी दिस, स्पेलिंग मिस्टेक। अब ये मुझे 10 प्रोडक्ट, अमेजोन डी एफ इज नॉट डिफाइंड, ओके, मुझे इसको यहाँ पे भी चेंज करना था, मैंने मैनुअली किया था सो गड़बड़ हो गई, तो वी विल सी। अब ये क्या मजाक हो रहा है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन एरे विद मोर देन वन एलिमेंट इज एम्बिगुअस, यूज एनी और ऑल, ओके, कुछ तो गड़बड़ है, वैसे होना नहीं चाहिए था, मुझे चेक करने दो। सो कई बार ट्राई करने के बाद ये खुद बहुत ठीक हो गया, आई डोंट नो कि ये क्यों खराब हो गया, बट स्टिल इट्स वर्किंग परफेक्टली। सो लेट मी कॉपी अनदर वन, अगर मैं एक और देखूँ, लेट्स से 10 पे एक देखते हैं, 10 इंडेक्स पे मैं एक टाइटल उठाने वाला हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, कंट्रोल सी, और इसको मैं अपने सर्च में डालने वाला हूँ, तो देखते हैं कि 10 जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, या तो ये इसके 10 रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ वेबसाइट फॉर दिस कोड, ओके। तो मैंने अपना पाइचाम ओपन किया है, आप कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हो लाइक वीएस कोड, और यू कैन आल्सो यूज पाइचाम। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इस वाले इमेज को डाउनलोड करना है, जो कि मैं आल्सो आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी वो आपका फोल्डर था उसी के अंदर एक वर्चुअल वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए, यू कैन आल्सो क्रिएट अनदर फोल्डर, और यहाँ पे app.py के नाम से एक फाइल बनाए, पाइथन फाइल। अब इसके अंदर जितने भी हमने वहां पे लाइब्रेरी इंपोर्ट किए थे वो सारा कोड मैंने जस्ट कॉपी किया है, पेंडास, नमपाई, एनएलटीके, वो स्नोबॉल स्टेमर एंड फीचर एक्सट्रैक्शन, इस बार मैंने जस्ट तरतीब दिया है, एक तरतीब दिया, ओके, बाकी वही सेम कोड है। ये दो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है, स्ट्रीमलेट जो कि वेब ऐप बनाने के काम आएगी, और पिल्लो इमेज के काम आएगी। अब इसको इंस्टॉल, अगर अभी तक आपने नहीं, इसको क्लोज करता हूँ, अगर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इनको इंस्टॉल करना, यहाँ पे आने के बाद आप लिखना पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, ये इंस्टॉल करने के बाद सेम लिखना पिप इंस्टॉल पिल्लो, Not pill, pillow लिखना पूरा P-I-L-L, okay, this should be P-I-L-L-O-W, pillow। ये करने के बाद आप लोगों का जो काम है वो ये है कि उसके बाद सेम वो डेटा इंपोर्ट करने का कोड डालो, आईडी को रिमूव करने का कोड डालो जो हमने किया था, वही टोकनाइज एंड स्टैम्प फंक्शन बनाओ, सेम वही कोड कॉपी करो, वो इसको इसी तरह फिर कॉल करना, फिर वही हमारा कोजाइन सिमिलैरिटी वाला फंक्शन है। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है, वो कुछ एरर आ रहा था इसलिए ये दो लाइन, इसको मैं समझाऊंगा, फिर वही सेम लाइन ऑफ कोड सर्च प्रोडक्ट वाला भी आप लोग बना लेना, और ये कोड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा कोड, ये दो लाइन एक्स्ट्रा आ गए, जो भी टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू आएगा इस कोजाइन सिमिलैरिटी फंक्शन के अंदर, मैं चाहता हूं कि उनको मैं एक स्पेस से ज्वाइन करूं, ठीक है, मैं उनको एक स्पेस से ज्वाइन करना चाहता हूँ, या आप कह सकते हो कंकैटिनेट करना चाहता हूँ, और इनको टेक्स्ट वन कंकैटिनेटेड, टेक्स्ट टू कंकैटिनेटेड, फिर वही सेम फिर ट्रांसफॉर्म मारा,
और इसको मैंने टेक्स्ट वन कंकैटिनेटेड एंड टेक्स्ट टू कंकैटिनेटेड नाम दिया, ठीक है। अब मैं भी मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया है, टी एफ आई डी वेक्टराइजर पूरा नाम दिया है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐप है और यहाँ पे आप प्रॉपर नाम का इस्तेमाल किया करो, बाकी वही सेम कोड है। अब हम बनाएंगे वेबसाइट, वेब एप, सो वेब एप विल बी लाइक दिस। सबसे पहले काम मैं एक इमेज इंपोर्ट करूंगा यूजिंग पिल्लो से, मैंने एक इमेज का जो क्लास है वो उसके अंदर ओपन फंक्शन है वो पाथ दूंगा, मेरे इमेज का नाम है इमेज डॉट पी एन जी। अब इस इमेज को मैं थोड़ा जूम इन करके आप लोगों को दिखाता हूं। जो मैंने स्ट्रीम लेट को इंपोर्ट किया था एज एन एस टी, उसके अंदर एक इमेज फंक्शन है, उसके अंदर इस इमेज को मैं पास करूंगा और इसकी विड्थ मैं रखता हूं फिलहाल के लिए 600, और उसके बाद मैं एक बढ़िया सा टाइटल देता हूं एस टी डॉट टाइटल सर्च इंजन एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन अमेज़न डेटा, बस इतना नाम देता हूँ, और मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस भी डालने होंगे अदरवाइज इट विल थ्रो दिस एरर। अब अपने टर्मिनल में जाए और वहां पर टाइप करे स्ट्रीमलेट रन, जो भी आपके ऐप का नाम है, ये फाइल का नाम है मेरा ऐप डॉट है, उसके बाद ऐप डॉट पाई लगाओ एंड स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई रन, तो ये आपके क्रोम में पॉप अप हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट इनपुट लेंगे, फिर वो डेटा सेट और कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह सब कुछ करेंगे। सो इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इनपुट के नाम से, या क्वेरी भी कह सकते हैं, क्वेरी वुड बी परफेक्ट। क्वेरी विल बी इक्वल टू एस टी के अंदर आपका टेक्स्ट इनपुट है एंटर प्रोडक्ट नेम। अब ये करने के बाद मैं एक बटन बनाऊंगा कि जब कोई क्वेरी डालेगा, प्रोडक्ट का नाम डालेगा, तो अगर बटन पे क्लिक करे तब डिस्प्ले होना चाहिए, आप बटन के बगैर भी कर सकते हो, बट बटन वुड बी परफेक्ट। सो सबमिट के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसके बाद एस डी डॉट बटन और इसके अंदर टेक्स्ट डाल रहा हूँ सबमिट, या सबमिट नोस्ट विद सर्च के नाम से एक बटन बना रहा हूँ। अब मैं चेक लगाऊंगा कि यूजर ने जो क्वेरी डाला और अगर यूजर ने इस बटन पे क्लिक किया तब आप इस क्वेरी को बेचो इस सर्च प्रोडक्ट तक, इस क्वेरी को बेचो इस सर्च प्रोडक्ट नाम के फंक्शन को, क्योंकि उसी के अंदर टोकनाइजेशन है, कोसाइन सिमिलैरिटी है और सब कुछ है, तो इस क्वेरी को मैं बेचूंगा उधर और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करूंगा क्योंकि मुझे इसको डिस्प्ले भी तो करना है। और उसके बाद और क्या हो सकता है, एस टी डॉट राइट मारूंगा और इसके अंदर इस रेस को मैं डालूंगा ताकि ये डिस्प्ले हो जाए। अब अगर मैं वहां पे जा और इसको रिलोड करूं तो वी विल सी, ये हमारा आ गया। अब जो मेरे पास ये कहां से आ गया, मुझे अब यहाँ पे वो भी लाना होगा, सो लेट मी क्लोज, मैंने वो भी क्लोज किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, सो लेट मी ओपन इट अगेन सर्च इंजन दिस वन, मैं जस्ट एक टाइटल यहाँ पे कॉपी करूंगा, बाकी मैं एंड में जाऊंगा, एंड में ओके दिस वन, या मैं यहां से यहां तक इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी। अब मुझे इसको क्लोज करना है, कोई जरूरत नहीं इसकी, और वापस यहाँ पे जाके ये मेरे एक प्रोडक्ट का नाम है और मैंने सर्च मारा, व्हाई इट्स नॉट डिस्प्लेइंग, मे बी इट्स टेकिंग टाइम, ओके आ गया। तो ये 10 रिकमेंडेड प्रोजेक्ट उसने दिए। अब अगर मैं इसको कॉपी करूं कंट्रोल सी और इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके सर्च मारूं, ओके इट्स टेकिंग अ बिट टाइम, ओके सो इसने भी 10 रिकमेंडेड
प्रोडक्ट की टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया। सो या दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस था वो ये था कि आपको अगर कंपनी एक डेटाबेस की एक्सेस देता है कि इन प्रोडक्ट को एक्सेस करो और यहाँ पे वेबसाइट में एक रिकमेंडर सिस्टम ले आओ, देन यू विल यूज द सेम कोड, मे बी यू कैन चेंज मेक सम चेंजेस बट ओवरऑल द कॉन्सेप्ट इज सेम। सो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद सर्च इंजन डेवलपमेंट बनाएंगे और कुछ डेटाबेस से भी हम डेटा को एक्सेस करेंगे जेसॉन में, फिर उस पर सर्च इंजन बनाएंगे। वी विल आल्सो ऐड मी स्पेल वर्ड, वो भी एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो एंड पिछले जो रिकमेंडेशन सिस्टम या सर्च इंजन है उनको भी जाकर देख सकते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।